हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लासेस। कंफर्टेबल है ना आप लोग? चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मैं बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हल्का फुल्का दिखता हूँ, मेरी आवाज़ भी बहुत हल्की फुल्की है। डरिए नहीं बच्चों, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, लेकिन मैं बड़े प्यार से आपको पढ़ाऊंगा। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हूँ, ऊपर से दिखने में थोड़ा हैवी दिखता हूँ, आप निश्चिंत रहें इसके बारे में। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बच्चों, क्या आपका ये विश्वास है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस इन CA एग्जाम्स? बहुत ही अच्छे बेटा, मैं आपसे एग्री करता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं एलाबोरेट करना चाहूँगा। हार्ड वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हार्ड वर्क से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस हार्ड वर्क का सही डायरेक्शन में होना। It has to be smart work and it has to be in the right direction. That is the key to success. Now, इसकी responsibility कि आपका जो hard work है वो सही direction में हो, सही चीज़ों पर हो, इसकी responsibility जाती है आपके teacher पर। आपके teacher की जिम्मेवारी है कि वो आपको guide करें, वो आपको direction दिखाए और किन चीज़ों पर मेहनत करनी है इसमें आपको help करें। बच्चों, मैं आपके बिहाफ में एग्ज़ाम तो नहीं दे सकता, एग्ज़ाम हॉल में तो आपको ही जाना है, आपको ही एग्ज़ाम जाके देना है। हाँ, पर मैं आपको अच्छी तरह से ग्रूम कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, ट्रेन कर सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ, जिससे कि आप एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा दे पाएँ और रिजल्ट अच्छा कर पाएँ। क्यों? चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ना आपको एक बात बताऊं बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दैट यू विल बी कंफर्टेबल इन माय क्लासेस, आई विल मेक श्योर, एंड मेरे पास स्टूडेंट्स ये बोलते भी हैं, दैट क्लासेस आर इजी गोइंग, कंफर्टेबल एंड स्टूडेंट्स एंजॉय इट। आप चीज़ें समझ पाएंगे, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेवारी है। क्लास के ड्यूरिंग आपके सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हम लोग डिस्कस करेंगे, हर चीज़ क्लियर करेंगे। मेरे पढ़ाने में एक तरीका है जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब मैं कोई भी पॉइंट डिस्कस करता हूँ या कोई भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करता हूँ, तो बीच बीच में मैं आपके बिहाफ में क्वेश्चंस रेज करता हूँ। मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या क्वेरीज हो सकती है या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो मैं खुद ही रेज करूँगा और फिर उसका जवाब भी मैं खुद ही दूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में जो भी बातें या जो भी सवाल उठ रहे हैं उन सब का क्लैरिफिकेशन एंड जवाब आपको साथ साथ मिलते चले जाए। एंड मेरी पास्ट एक्सपीरियंस बताती है कि जो क्वेश्चंस मैं रेज करता हूँ उसके बाद स्टूडेंट्स यूजुअली और कुछ क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस डिस्कस पहले से ही हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए, कोई क्वेरी आए, मन में कोई भी तरह की शंका आए, तो उसको पूछिए। आई वेलकम दैट, और मेरे को खुशी होती है जब बच्चा पार्टिसिपेट करता है और कुछ क्लारिफिकेशन मांगता है, मैं जरूर उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही डिज़ायरेबल और ज़रूरी है, इससे क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी और आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे मैं आपको बताऊँ कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक
में आधे या एक घंटे के डिस्कशन के बाद हम लोग एक क्वेरी सेशन भी रखेंगे, इंटरैक्टिव सेशन भी रखेंगे, जिसमें बच्चे मेरे से डिस्कस करेंगे और इससे अपनी लर्निंग जो है वो स्ट्रांग होते चले जाएगी। सो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Are you ready?